हम लोग आज आए हैं बाबा दर्शन करने के लिए। आज मौर्या जी हैं, चलते हैं हम लोग। यहाँ सब लोग चढ़ाते हैं धान वहाँ धान वगैरह चढ़ाते हैं अपना चढ़ा हुआ श्रद्धालु लोग देखते हैं। अब श्रद्धालु की लाइन लगी हुई है। हम लोग अलग से हम लोग आए हैं। यही मेन प्रसाद है। आपकी विधि करते हैं। दर्शन हो गए हैं बाबा जी के। हाँ निकल चुके हैं। चलो प्रसाद मिल गया है मौर्या जी को बेहतरीन पूरे स्टाफ वर्क के लिए। उनके जरिए हम दर्शन हो गए आराम से। हमारे घर पीछे खड़े हैं द्वार पर जो है आपके मुकद्दर बाहर आ चुके हैं। मंदिर के पीछे हम लोग निकल आए हैं बाहर बेहतरीन दर्शन हुए हम लोग तो। कैसा लगा ये हमारा आपको वहाँ पर ऊपर स्नान हो रहा है तालाब के पीछे। कैसा लगा ये ब्लॉक आपको जरूर बताइएगा। ये बाराबंकी में है, वहीं से मैं आपको ड्यूटी पर आया हूँ, वहीं से आपको एक वीडियो शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे आपको दिखाऊंगा मैं एक वीडियो जरिए एक भाग से द्वारा बनाया जाने वाला निष्ठान भोजन निष्ठान बनता है वहाँ पर और खिंचा जाता है, वो भी दिखाऊंगा आपको इस अगले। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं कठुआ धाम द्वारा मंदिर में, मेला लगा हुआ है और एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर परिसर में ही एक होटल है, ये होटल है, इसकी
एक विशेषता ये है कि ये यहाँ पर जो खाना जो भी मिठाई बनती है वो स्टीम के माध्यम बनती है। और ये देखिए यहाँ की मिठाई बनी हुई है, सब स्टीम के माध्यम बनी हुई है, कोई गैस या लकड़ी का उपयोग नहीं, ये स्टीम का सिलेंडर है। और यहाँ पर पानी पड़ता है यहाँ पर, और ये दिखा रहा प्रेशर, ये अंदर आग जल रही है, इसमें अंदर पानी है, इसकी स्टीम बनती है, ये मोटर पानी चला रही है। बर्तन जो है हमारा जो बर्तन बनता है इसमें वेल्ड है, और इसमें स्टीम भाप जो बनती है उससे ये मिठाई बनाते हैं। ये कटुआ धाम परसराय में मंदिर पड़ता है, वहाँ मेला में रुचि आया था, और हमारे साथी मेरा देखते हुए मिठाई का, और ये चीज़ें उत्तरखंड हैं एक दूसरे से चूल्हे सारे, खासियत यह है जितने भी बर्तन हैं उस चूल्हे में इनबिल्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं, जो स्टीम बनाते हैं उसी से बर्तन देते हैं, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई धुआं नहीं, कोई धक्कड़ नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। और ये चिमनी आपको दिखाता हूँ वहाँ से, चिमनी जो इसका बाकी जो लकड़ी का धुआं जो निकलता है वो चिमनी के माध्यम से वहाँ पर, वो भी धुआं भी मात्र नाम मात्र ऊपर निकाल दिया है इन्होंने 30 फीट ऊपर। दिखाने में सब यह था कि बिना प्रदूषण के ये देखिए खाना बनता हुआ। एक जगह और है वहाँ कोठी के पास भी मैंने देखा था किसी तरह का चूल्हा, आज यहाँ कुरवाधाम में पिछली बार देखा था, इस बार मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। और ये अंदर जब प्रसिद्ध दुकान इनकी है, और ये मिठाई बनती है यहाँ पर। और हम आ गए हैं कुटवा धाम मेला परिसर में, 2-3 दिन का मेला लगता है ये, आज स्नान है, दर्शन लोग दर्शनार्थी बहुत आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। माता जी का मंदिर, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इससे और मैं इससे अच्छी अच्छी आपको वीडियो और जानकारी दूँ। बाराबंकी परिसर, बाराबंकी क्षेत्र में ये मेला लगता है, ये बहुत सारा खाना बनता है।